हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 23 जनवरी 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर, आईपीएल की नीलामी की डेट को लेकर, इसके साथ ही करंटली चल रही ट्रेड विंडो को लेकर, कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेड होने वाले हैं, किस टीम में ट्रेड होंगे, इसको लेकर कुल 8 काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं या फिर अगर आप लोग आईपीएल के स्टार्ट होने का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच ट्रेड को लेकर जो कंफ्यूजन चल रही थी उसको लेकर। हमने आपको चैनल के ऊपर बताया था कि डेनियल सैम्स 1.5 करोड़ रुपए में और हर्षल पटेल 20 लाख रुपए में आरसीबी में ट्रेड हो चुके हैं और इनके जो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज थी उन्होंने ऑफिशियली इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर इसकी कंफर्मेशन भी कर दी थी। लेकिन गाइज उसके कुछ टाइम बाद दोनों ही टीमों ने सारी पोस्ट को डिलीट कर दिया था, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि क्या ये ट्रेड हुई है या फिर नहीं हुई है। हमने कल की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन गाइज फाइनली अब ये ट्रेड कंफर्म की जा चुकी है, जहां पर एक बार फिर से दोनों ही फ्रेंचाइज ने वापस से पोस्ट डाल दी है कि अब ये ट्रेड हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आरसीबी और डीसी के बीच में ट्रेड के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था प्राइस को लेकर। एक टीम इनमें से ऐसी थी जो कि इस ट्रेड से थोड़ी सी खुश नहीं थी, लेकिन फाइनली बात करने के बाद आपस में इन्होंने म्यूचुअली ये ट्रेड करने का डिसीजन ले लिया है। तो सेम प्राइस है, डेनियल सैम्स ट्रेड हुए 1.5 करोड़ में और उनके साथ ही हर्षल पटेल ट्रेड हुए हैं 20 लाख रुपए में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए इस ट्रेड में आपके हिसाब से कौन सी टीम को ज्यादा फायदा हुआ है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सुरेश रैना की तरफ से। सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिटेन कर चुकी है। हालांकि इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि 11 करोड़ में उनको रिटेन किया गया है, लेकिन गाइज इससे एक चीज़ नहीं बदलती और वो चीज़ है सुरेश रैना का नया रिकॉर्ड जो कि वो बना चुके हैं। अब सुरेश रैना आईपीएल के इस साल ऐसे 5वें प्लेयर बन जाएंगे, बल्कि वो 4थे प्लेयर बन जाएंगे एबी डिविलियर्स के साथ मिलाकर, जिन्होंने आईपीएल से 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है सिर्फ अपने बेस प्राइस के थ्रू, सिर्फ अपने आईपीएल प्राइस के थ्रू। इस लिस्ट में नाम आता है एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑलरेडी ये कर चुके हैं और इस साल इस लिस्ट में एबी डिविलियर्स और सुरेश रैना का नाम भी जुड़ जाएगा। तो चौथे भारतीय वो बन चुके हैं इस लिस्ट में आने वाले सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा रिटेन किए जाने के बाद। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के ऑक्शन की हाईलाइट जो कि रह सकते हैं। मिचेल स्टार्क ने अपना यहां पर नाम रजिस्टर कर दिया है। हमने आपको बताया था डेविड मलान, शाकिब अल हसन, कायल जेमिसन, जेसन रॉय जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया था और अब मिचेल स्टार्क ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आप लोगों को बिडिंग वॉर देखने को मिलेगी इनको लेकर, क्योंकि जिन तीन टीमों के पास सबसे ज़्यादा पर्स है 30 करोड़ से ऊपर का, उसमें केएक्सआईपी के पास है 53.20 करोड़, उनके साथ ही आरसीबी की बात करें इनके पास है 34.20 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास है 37.85 करोड़। लेकिन गाइज आरआर की टीम के पास ऑलरेडी जोफ्रा आर्चर उनके स्ट्राइक बॉलर हैं और उनके पास ऑलरेडी बेन स्टोक्स भी हैं, तो ऐसे में वो एक और फास्ट बॉलर को लेना अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े प्राइस में। लेकिन पंजाब की बात की जाए और आरसीबी की बात की जाए तो इनके पास पर्स भी है और इनको स्टार की रिक्वायरमेंट भी है, तो बिडिंग वॉर आपको देखने को मिलेगी पंजाब और आरसीबी के बीच में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप कौन सी टीम में मिचेल स्टार्क को खेलते हुए देखना चाहते हो, कौन सी टीम में आपको लगता है कि उनको लेने में यहां पर बाजी मारने वाली है आईपीएल ऑक्शन में। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है स्कॉट स्टाइरिस की तरफ से। स्कॉट स्टाइरिस अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड के बहुत बड़े ऑलराउंडर प्लेयर रह चुके हैं, इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी वो आईपीएल के इनिशियल ईयर्स में एसोसिएटेड रह चुके हैं और अब स्कॉट स्टाइरिस ने जो कि एनालिसिस करते हैं स्टार्स
स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बताया है कि सीएसके की टीम ने जो इतने कम प्लेयर्स को रिलीज करने का डिसीजन लिया है, जिस तरीके की उनकी टीम है, उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो काफी प्लेयर्स को रिलीज करेंगे। उन्होंने बताया है कि ये सीएसके की टीम काफी ज्यादा वीक है और इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इनको और ज्यादा प्लेयर्स को अपनी टीम से रिलीज करना चाहिए था, यानी कि सुरेश रैना और कुछ और प्लेयर्स हैं इस टीम में जिनको अगर ये रिलीज करते तो फिर ऑक्शन में इनका चांस काफी ज्यादा अच्छा बन सकता था एक ऐसी टीम क्रिएट करने का जो कि ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल भी काफी ज्यादा अच्छा कर सकती थी। तो ऐसे में स्कॉट स्टाइरिस ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग इनके स्टेटमेंट से सहमत हो या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में। जब आईपीएल 2020 खत्म हुआ था तब हमने आपको बताया था कि उसके एक वीक बाद ही तीन ऐसी टीमें थी जो कि अपना ट्रायल कैंप स्टार्ट कर रही थी। उसमें नाम निकल कर आया था एमआई की टीम का, राजस्थान रॉयल्स की टीम का जो दुबई में अपना कैंप लगाना चाहती थी, और आरसीबी की टीम का जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना कैंप लगाना चाहती थी। और गाइज मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स अब यहां पर आपको जल्दी ही स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खत्म होने पर मुंबई इंडियंस की टीम अपने ट्रायल कैंप लगाएगी और इन्होंने कश्मीर के एक बॉलर जो कि एसएमएटी में खेल चुके हैं मुस्तफा यूसुफ को भी कॉन्टेक्ट किया है। बताया जा रहा है कि इनके टैलेंट को एमआई की टीम ने देखा है और वो इनको एक बार आजमाना चाहते हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर एमआई की टीम इनको आईपीएल ऑक्शन में खरीद लेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको लगता है आईपीएल ऑक्शन के बाद कोई ऐसी टीम बन पाएगी जो कि मुंबई इंडियंस की टीम को चैलेंज कर पाएगी। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 की सारी टीमों के पूरे स्क्वाड को लेकर कि कैन का स्क्वाड रहने वाला है। इसके साथ ही कौन कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं, कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी अपने बैलेंस पर्स के दायरे में रहते हुए, इसको लेकर अब डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग सारी टीमों के स्क्वाड, उनके ऑक्शन स्ट्रेटजी और उनके बैलेंस पर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर हम आज दिन में अभी से कुछ घंटे बाद आपके लिए इस वीडियो को लेकर आएंगे। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के ऑक्शन की डेट को लेकर। ऑक्शन की डेट पर बीसीसीआई थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हुई नजर आ रही है क्योंकि भारत इंग्लैंड की सीरीज होनी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी चल रही है, तो काफी सारी चीजें बीसीसीआई को मैनेज करनी पड़ रही हैं। और गाइज आईपीएल ऑक्शन की जो डेट पहले आई थी वो थी 11 फरवरी, बाद में उसे 16 फरवरी कर दिया गया था और कल टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से 18 फरवरी को आप लोगों को आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे डेट खुद ही फ्लक्चुएट हो रही है सोर्सेज के थ्रू, तो ऐसे में आप लोग मान सकते हैं कि 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में आप लोगों को आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। आप में से जिन भी लोगों का क्वेश्चन था कि ऑक्शन की क्या डेट है, तो 16 फरवरी से 21 फरवरी इसके बीच में किसी एक दिन आप लोगों को आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए एक्साइटेड हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि एक और बड़ी अपडेट है आपके लिए। अगर आपकी टीम, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज आईपीएल में उनको प्लेयर्स बाई करने हैं तो कुछ और बड़े रजिस्ट्रेशन हमारे सामने निकल कर आए हैं। जॉय रिचर्डसन जो कि बीबीएल में कमाल कर रहे हैं उन्होंने अपना नाम दे दिया है। 12 मैचेस में 25 विकेट ये बीबीएल में ले चुके हैं, अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, आसानी से 5-6 करोड़ की बिडिंग इनके ऊपर हो सकती है। दूसरे नंबर पर नाम आता है एंजेलो मैथ्यूज का जो कि लास्ट बार 50 लाख का बेस प्राइस होने की वजह से अनसोल्ड चले गए थे, उन्होंने 100 मार दिया है लेकिन उन्होंने भी आईपीएल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और गाइस तीसरे नंबर पर नाम आता है एलेक्स हेल्स का, उन्होंने भी कल सेंचुरी लगाई है, काफी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करी है 51 बॉल में 100। तो ऐसे में एलेक्स हेल्स ने भी अब आईपीएल 2021 की नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब हालांकि ये बीबीएल के स्टार्स हैं, आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं देखने वाली बात होगी क्योंकि आईपीएल में अक्सर हम देखते हैं कि बीबीएल के स्टार्स ज्यादा चल नहीं पाते। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए इन तीन प्लेयर्स को आप लोग कौन सी टीम से खेलते हुए देखना चाहते हो। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।